Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और मैं बनाने जा रही हूँ हलीम using Shan special हलीम mix in my instant pot. चलें फिर बनाते हैं मज़ेदार हलीम. तो शाही हलीम mix में दो packets आते हैं, एक होता है lentils का और एक होता है मसाले का. तो first of all मैं दालों को wash करूँगी और soak करूँगी for half an hour. दालें मैंने भिगो दी हैं, अब मैं इंस्टेंट पॉट स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे पहले इसको सॉटे मोड पे करें और मैं इसको 15 मिनट्स पे डाल रही हूँ और फिर मैं देखूँगी, एडजस्ट कर लूँगी बाद में. तो यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस बीफ हाफ अ किलो. आप अगर चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं. 2 टेबल स्पून योगर्ट दही के लिए है. 1 टेबल स्पून ईच ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन. एक बोल लिया है मैंने इंस्टेंट ओट्स का और एक प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है. तो इंस्टेंट पॉट इज हॉट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट कुकिंग. तो मैं इसमें डाल रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 1 कप ऑफ ऑयल, 1 कप तेल का डाल रही हूँ. और सबसे पहले हम इसमें बीफ को डाल के भूनेंगे अच्छी तरह. अच्छी तरह भूनिफाई करेंगे, सॉटे करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक. अच्छा, 5 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और इसको अच्छी तरह से और भूनेंगे. अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ शान का हलीम मसाला. सो आई लाइक इट स्पाइसी, तो मैं पूरा पैकेट यूज़ कर रही हूँ, मगर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. इसको अच्छी तरह से मिक्स करें. बस 1 मिनट के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल रही हूँ. अच्छी तरह से इसका मसाला बन जाए, फिर हम इसमें डालेंगे दालें. अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइड अनियन, ये मैंने फ्राई करके रखी थी अभी, एक लार्ज साइज अनियन है. इसको भी अच्छी तरह मिक्स करें. अब इस मसाले में मैं डालने जा रही हूँ सोक्ड दाल. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बोल ओट्स का, इंस्टेंट ओट्स. इसको भी मिक्स कर लें, इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है, थिकर सी. और अब इसमें मैं डालूंगी पानी. तो टू स्टार्ट विद आई हैव गॉट 4 कप्स बॉइलिंग वाटर. सही लग रहा है मुझे पानी अभी इतना. मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए.
अब मैं इसकी लिड लगा रही हूँ। अब इसको सॉटे मोड से कैंसिल करके मल्टीग्रेन पे लगा देंगे और टाइम सेट कर देंगे 30 मिनट्स। मेक श्योर दैट योर वेंट इज एट द क्लोज पोजिशन। It has been 30 minutes and now I'm going to open the vent to let the air out. Okay, let's open the lid of Instant Pot and see what's happening there. Okay, consistency to mujhe theek lag rahi hai. Ab main dekh rahi hoon ki beef sahi se tender ho gaya hai ya nahi. To ek boti nikalte hain aur isko check karte hain. या बिल्कुल सही, परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसकी हैंड ब्लेंडिंग करूँगी तो इसके अच्छे रेशे आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँगी इसकी हैंड ब्लेंडिंग। तो आई एम गोइंग टू यूज़ माय हैंड ब्लेंडर। अगर आपके पास नहीं है हैंड ब्लेंडर तो आप इसको फूड प्रोसेसर में, जग में भी कर सकते हैं। देखें इसका बीफ जो है वो सही से श्रेड होता जा रहा है साथ साथ। आपको दिखा रही हूँ उसी कंसिस्टेंसी, बस ये लास्ट में कर रही हूँ। देखें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है जैसी हलीम की हमें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम अब गार्निश करेंगे और तड़का लगाएंगे। तो मैंने हैंड ब्लेंडिंग कर ली है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है। थिकर है, लेस है इसमें, और एक घंटे के अंदर अंदर हलीम तैयार भी हो गई इंस्टेंट पॉट में। अब मैं हलीम का तड़का बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को स्लाइस किया है और इसको मैं ऑयल में डाल के ब्राउन करूंगी और हलीम को तड़का दूंगी।